मरने के बाद हुआ जिंदा, 2 करोड़ के फ्रॉड इंश्योरेंस पॉलिसी का खुलासा। आरोपी सहित 2 दोस्तों को शिवाजी पार्क पुलिस ने किया गिरफ्तार। LIC इंश्योरेंस कंपनी में फर्जी 2 करोड़ डेथ क्लेम करके आरोपी को आरोपी दिनेश टकसाले और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी ने बताया कि करोड़ों रुपए के इंश्योरेंस क्लेम करने वाला व्यक्ति जिंदा है और ठगने की कोशिश की गई है। मुंबई पुलिस ने बताया कि दिनेश टकसाले उम्र 35 साल, 2 करोड़ इंश्योरेंस पॉलिसी 2015 में लिया था। 2017 में इसे मरा हुआ बताकर LIC इंश्योरेंस क्लेम किया गया। इंश्योरेंस कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस क्लेम किया है वो व्यक्ति जिंदा है। पुलिस ने कहा कि इस पूरे मामले में एक फर्जी प्लान बनाकर 2 करोड़ की इंश्योरेंस कंपनी से ली गई थी, जिसका 1 साल तक प्रीमियम ही भरा गया था। आरोपी दिनेश को मरा हुआ बताकर फेक पेरेंट्स और रिलेटिव के द्वारा करोड़ों रुपए इंश्योरेंस क्लेम किया गया और इस मामले में दिनेश के 2 दोस्त जो डिप्लोमा इंजीनियर है उनकी मदद ली गई। LIC इंश्योरेंस कंपनी को पूछताछ में पता चला कि दिनेश मरा हुआ नहीं है बल्कि जिंदा है, जिसके बाद उसने शिकायत शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में की और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, मुंबई। दिनेश टकसाले नाम का एक व्यक्ति था जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी की गई। 2017 में ये मर गया करके इसका इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस LIC में दाखिल किया गया। LIC के प्राइमरी इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये इस नाम के व्यक्ति जिंदा है, इसके बारे में उनको कुछ क्लूज मिल रहे थे। सो दे फाइल्ड अ कंप्लेंट विथ शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन और LIC के ऑफिसर्स। इन्होंने जो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो पाया गया कि ये आदमी जिंदा है। ना ही जिंदा है तो पुलिस ने जाके उसको पोजेशन में भी लिया, अरेस्टेड हिम ऑल्सो। और उसके साथ ही उसके दोस्त जो उसको मदद करने वाले लोग हैं उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि जो आदमी मर गया वो कुछ अलग रीजन की वजह से मर गया है। इसके बारे में एक्सीडेंटल डेथ हुई थी और उसका इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था और ये फाइनल करके वो फाइल किया गया है। उसके बारे में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पर ये इंश्योरेंस क्लेम फॉल्स है और 2 करोड़ का इंश्योरेंस मिलने के लिए जो क्लेम किया गया था वो फर्जी है, इसके बारे में पुलिस ने कंफर्म किया है। वैसे 2 लोग हैं जो डिप्लोमा इंजीनियर है और प्रोफेशनल्स हैं, और ये जो दिनेश है वो अलग अलग जगह पे, वो भी पढ़ा लिखा है अच्छा, पर वो सामान्य जगहों पे काम करता है। अच्छा, अब ऐसे समझ में आ रहा है कि जो कपल गया था वो कपल ये दिनेश के पेरेंट्स नहीं थे। उसमें से एक तो दिनेश की माँ ने इनकार किया है कि वो वहाँ पे गई थी, और जो दिनेश के फादर दिखाए गए तो दिनेश के फादर उस जो घटना जब हुई उसके 4 साल पहले मरे, तो डेफिनेटली दे आर फेक पीपल। इसमें ऐसा है कि इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो रहा है कि फर्जी क्लेम करना ये प्लान था। इनिशियल प्लान वॉज एक क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, तो उसमें करीबन 2.5 करोड़ का एक पॉलिसी है और 5.5 करोड़ का 2 पॉलिसी, ऐसे पॉलिसीज निकाली जाए। उसके लिए इसका जो आमदनी है वो ज़्यादा दिखाई गई थी, और उसके बाद इसकी कैपेसिटी है ऐसा दिखा के जब इंश्योरेंस इसका प्रपोजल दिया गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने पाया कि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसकी 2 करोड़ की कैपेसिटी। तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस पास किया गया, उसका प्रीमियम भी भरा गया। 1 साल तक ये ठीक चलता रहा। 1 साल के बाद ऐसा दिखाया गया कि ये आदमी मर गया है और उसके फेक रिलेटिव्स या पेरेंट्स दिखा के उन्होंने इसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के पास दिया। बिकॉज दिस वॉज अ शॉर्ट टर्म क्लेम, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया गया, इंक्वायरी की गई LIC से। LIC ने ये पाया कि शायद ये आदमी जिंदा है, तो जब उनको ये पता चला तो LIC फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि वो सच में जिंदा है।